हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम भारत एवं विश्व का इतिहास को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता, सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। तो हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। 1591 ईस्वी में हैदराबाद स्थित चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो शुद्ध सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने किया था? गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? तो गुप्तचर विभाग को संगठित अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया था कब? दिल्ली से कहाँ लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद लाया था। दौलताबाद राजधानी कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर के संस्थापक, तो जौनपुर नगर के संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया था। यानी महमूद गजनवी ने 1525 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, जो 1712 ईस्वी में आया था और भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के साथ इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। और इसी के बाद जब इब्राहिम लोदी हार गया तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, बाबरनामा की रचना किसने किया था? तो बाबरनामा की रचना बाबर तुर्की भाषा में खुद बाबर अपने से किया था। बाबर ने खुद बाबरनामा का रचना किया था जो तुर्की भाषा में था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। कौन था? पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, अंग्रेज था। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था किसने बनवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला जो है किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत की लड़ाई में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो बाबर का
संरक्षक बैरम खान ने किया था। जहांगीर का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा उसकी पत्नी नूर जहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था किसको? बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को, जहांदार शाह को मुगल बादशाह था जहांदार शाह, उसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। शाहजहां का जन्म हुआ था कहां? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में कहां हुआ था? तो लाहौर में। 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो पहला मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कैप्टन हॉकिंस आया था कहां, किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो एक अंग्रेज था जहांगीर के दरबार में आया था। ब्लैक हॉल की घटना कब घटी थी? ब्लैक हॉल की घटना 1776 ईस्वी में घटी थी। यह ब्लैक हॉल की घटना यह है कि इसमें एक ही रूम में बहुत सारे अंग्रेज को डाल दिया गया था और बाहर से बंद कर दिया गया था, जिसमें से सारे के सारे अंग्रेज मर गए थे, कुछ ही अंग्रेज बच पाए थे। उसी को ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो 1556 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो अभी पाकिस्तान में है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बक्सर की लड़ाई में जो 1764 ईस्वी में हुआ था, मुगल की तरफ से कौन सा मुगल शासक भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में भाग लिया था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको? हर्मिट ऑफ शिमला एओ हुम को, जो स्कॉटलैंड के वासी था, स्कॉटलैंड के निवासी थे एओ हुम, उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कब? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। तो थैंक यू, आज के लिए हम बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर को वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करें, प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।